तो हम एक्सपीरियंस लेटर ही नहीं लगाते, हम लोग सिर्फ रिज्यूम में लिख लेते हैं कि मैंने 5 महीने यहाँ काम करा है, 6 महीने यहाँ काम करा है, साल भर मेरा यहाँ काम करा है, पर हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है, हम कुछ भी लिख लेते हैं, आधे से ज़्यादा अगर आप देखोगे सही है बिल्कुल, और आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, या अगर आपने वहाँ काम किया है तो आपके पास वहाँ का कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, चाहे एक्सपीरियंस लेटर हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा छोटी है। आपको लगता है कि मैंने वहाँ दिल्ली के वहाँ रेस्टोरेंट में काम किया था, मैंने 2 महीने काम किया था, मैं 5 महीने लिख देता हूँ, शेफ़ को पता नहीं चलेगा, पर शेफ़ भी स्मार्ट होता है, वो भी पता लगा लेता है कि भाई उसने वहाँ काम किया था। क्योंकि अगर अब मैं अभी यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, मैं किसी भी होटल रेस्टोरेंट में पता लगा सकता हूँ कि उस बंदे ने वहाँ पर काम किया है या नहीं किया है, जैसा भी उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड में आराम से चेक करवा सकता हूँ। तो हम लोग अगर कुछ चीज़ें गलत भी लिख रहे हैं, अगर वो चीज़ें सही हैं, क्योंकि इस होटल इंडस्ट्री में सबको मालूम है, हम लोग अपनी जॉब छोड़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उस सबके साथ है, चाहे जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उसके साथ भी वही होगा, पर अगर आपने सही चीज़ें लिखी हैं, सही ढंग से लिखी हैं, तो आपको वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई हमारे पास जो भी पुरानी जॉब्स है उनका कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले एक्सपीरियंस लेटर की बात करी, इस बार मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रूफ्स की। आपने लिख तो दिया है, ठीक है जी, और शेफ ने कंसीडर भी कर लिया है, पर कुछ कंपनी ऐसी होती हैं, अगर आपने कुछ लिख दिया है तो आपसे वो उसका प्रूफ मांगेंगी। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है और आपको बोला गया कि भाई आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपने तो वहाँ 10 साल का एक्सपीरियंस लिख दिया है अपनी मर्जी से, पर जब आपको प्रूफ प्रूफ करने के लिए बोला जाए, सबूत मांगे जा रहे हैं आपसे, तो आपके पास कोई सबूत नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस लेटर है, कुछ भी नहीं है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल से घट के सिर्फ 4 साल का रह जाएगा, या जब तक आप अपने एक्सपीरियंस लेटर को दिखा रहे हो। तो इस प्रकार से भी चीज़ें होती हैं, और जब आपकी स्क्रूटनिंग होती है या प्रॉपर चीज़ों को चेक किया जाता है, ठीक है जी, तो फिर आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है।